यहाँ पे मकान की वैल्यू जो है ना वो कभी भी डाउन नहीं होगी रोड लेवल के चक्कर में, क्योंकि इनका जो तरीकेकार है मुझे बहुत पसंद आया। क्या करेगा सीख का? खाऊंगा उसके बाद देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं साइमा के मेन रोड पर, जो साइमा का गेट है उससे जो दो रोड जा रहे हैं आपके पास बिल्कुल सीधे, तो उस रोड पे हम मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद क्या है? यहाँ पे आपको मेरा दिखाने का मकसद ये है, रोड क्या दिखा रहा हूँ मैं, रोड मकान जो है वो खुद ब खुद जो है वो नीचे होते रहते हैं और रोड ऊपर होती रहती है। तो ये एक हमारी पॉलिसी है कि बस रोड के ऊपर एक कारपेटिंग करो। अब वो जाहिर सी बात है, जब 10 दफ़ा कारपेटिंग हो जाएगी तो मकान तो खुद ब खुद रोड लेवल से नीचे चला जाएगा, तो उससे फिर मकान की वैल्यू गिरती भी है। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है वो एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। इस जगह से जो है वो रोड टूटती है तो उस रोड को जो है वो वहाँ से इतना गहरा खड्डा करके उसको भरते हैं, उसको तरीके से उसी लेवल पे लेकर आते हैं कि जो कंपनी के बनाए हुए और जो लोगों के बनाए हुए घर हैं उनकी जो हाइट है वो हमेशा वही रहे, और वो कभी भी रोड लेवल हो भी नहीं सकते। रोड लेवल नहीं हो सकते, रोड लेवल से नीचे जाना तो एक बहुत दूर की बात है, रोड लेवल नहीं हो सकते कभी भी। ये साइमा का मेन गेट है और मेन गेट से तकरीबन 6-7 जो पैचेस हैं वो बने हुए हैं, यानी कि टुकड़े जो हैं वो टूटे हुए हैं। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये देखें इन्होंने किस तरह करा है कि यहाँ पर जो है ये नहीं है कि रोड टूटी, रोड का गड्ढा भरा और उसको ऊंचा कर दिया रोड को। तो ये देखें, ये पत्थर पड़े हुए हैं, उस जगह पे पत्थर भरे जाते हैं, फिर उसको, यानी कि रोड पूरा दोबारा सेट हो जाएगा और उसी लेवल पे रहेगा। गाड़ी जाएगी तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये दूसरी रोड थी और वो दूसरी रोड है, बिल्कुल एक लेवल में रहेगी हर चीज़। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये साइमा के अंदर ये हमारी गवर्नमेंट नहीं सोचती है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि रोड टूटा, चल भाई उसके ऊपर कारपेटिंग करो। अब उससे होता है क्या है, वो एक कारपेटिंग से 15-20 घर उस इलाके के जो है वो या तो रोड लेवल हो जाते हैं या जो है वो नीचे चले जाते हैं रोड से, तो उससे फिर मकान की वैल्यू डाउन होती है। यहाँ पे मकान की वैल्यू जो है ना वो कभी भी डाउन नहीं होगी रोड लेवल के चक्कर में, क्योंकि इनका जो तरीकेकार है मुझे बहुत पसंद आया। ये चीज़ जो है मैंने पूरे कराची में पहले कभी देखी नहीं थी कि इस तरह रोड को भर कर, हमने तो सिर्फ ये देखा है कि चल भाई आगे शावर करा, रोड पे कारपेटिंग करी और जाने दो, यानी रोड को फौरन हाथों हाथ ठीक करना, ये इन लोगों का जो है सबसे बड़ी जो है वो कामयाबी है कि भाई आप रोड टूटे तो फौरन जो है वो उसको हाथों हाथ ठीक करें। और देखें ठीक कैसे करना है कि ये नहीं कि जैसे हमारे यहाँ होता है बाहर सोसाइटी से बाहर होता है कराची में, इलाके वालों ने मिलकर अपनी मदद आपके तहत जो है वो उन गड्ढों में मिट्टी भर दी, क्योंकि जब कोई मोटरसाइकिल वाला गिरता है तो उन लोगों को ये ख्याल आता है यार चलो मिट्टी भर देते हैं, मिट्टी वो एक दो दिन में फिर उड़ जाती है, फिर वो मिट्टी भर देते हैं, तो इस तरह रोड की कोई रिपेयरिंग नहीं होती। अभी मैं अपने घर के सामने आके बैठ गया हूँ, आप लोगों ने ये चीज़ तो देख ली है कि यहाँ पे रोड्स की किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मेरे जहन में ये थी कि साइमा की थोड़ी सी मेंटेनेंस ज़्यादा है, शायद मुझे ऐसा लगता है। 2500 रुपये जो है वो 120 गज़ का अगर आपका घर है तो 2500 रुपये उसकी मेंटेनेंस है। ज़्यादा इस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि वैसे तो बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर हम इसको दूसरी सोसाइटीज़ से कंपेयर करें, मिसाल के तौर पर मैं बहरिया से कंपेयर करता हूँ, तो बहरिया की मेरे ख्याल से 120 गज़ की जो है वो 800 या 1000 रुपये मेंटेनेंस है। इसमें आपके पास जो है वो मंथली 4 टैंकर आपको फ्री मिलते हैं, वो टैंकर यानी कि अगर पानी नहीं आ रहा तो आप अपना जाके नाम लिखवाएं और 1-2 दिन में आपके घर पर टैंकर जो है वो फ्री में आ जाएगा। फ्री यानी कि आप इस सेंस में कह लें कि क्योंकि अगर वो एक टैंकर अगर आप बाहर कहीं से डलवाते हैं तो वो 2000 का पड़ता है, तो आपको 4 टैंकर जो हैं वो फ्री हैं कि पानी का मसला नहीं होने वाला इंशाल्लाह यहाँ पे रहने वालों को। बिजली का मसला भी जो है वो यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि बिजली अभी मुझे 2-3 दिन ही हुए हैं तो यहाँ पे बिजली तो गई नहीं है अभी तक, तो ये देखना है कि यहाँ पे बिजली किस तरह जाती है, और क्योंकि मेंटेनेंस हर जगह होती है और मेंटेनेंस के लिए वो पूरा एक दिन 2-2 दिन जो है वो बंद रखते हैं या नहीं रखते हैं, या मेंटेनेंस ये कुछ एरियाज़ की करते हैं, किस तरीके से होगा वो भी मैं सब आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। साइमा में मेरे नए दोस्त बने, एक को तो आप जानते ही हैं डॉक्टर नासिर, और दूसरे जो हैं वो भी मेरे नए दोस्त बने। उनके साथ मैं कल गया था अगवानी दुम्बा बोटी खाने के लिए सुराबगोट, तो उसके कुछ जो है मनाजिर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर भी हमने बहुत तफरी करी, बहुत अच्छे लड़के हैं। यहाँ की जो जेंट्री है ना वो बहुत पढ़ी लिखी है और तमीज़ वाली है और अच्छे लोग हैं यहाँ के, कि एक अच्छा माहौल मिलता है आपके बच्चों को पढ़ने के लिए, आपको ख़ुद को रहने के लिए, तो यहाँ की जेंट्री इस लिहाज से बहुत अच्छी है। आपके पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, आपके जितने भी आपके यानी पूरे साइमा के अंदर जो लोग आते हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे ही लोग आते हैं कि जिनको ऐसा माहौल चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे रेंट बाहर के मुनासबत से जो है, क्योंकि इसके साथ में सरजानी लगता है, नॉर्थ कराची लगता है, न्यू कराची लगता है, तो वहाँ की मुनासबत के लिहाज से जो है अगर देखा जाए तो रेंट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है हर घर का, लेकिन लोग फिर इस जगह को प्रेफर करते हैं क्योंकि साइमा के अंदर मेरे ख्याल से साइमा की सबसे कामयाब तरीन प्रोजेक्ट ही यही है।
तो अभी हम चलते हैं और जाके कल के कुछ मनाजिर देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम है जुल्फिकार। अच्छा मैं अभी हम आए हुए लासी फवाद भाई की तरफ से दावत है हम लोगों की, तो आज माशाल्लाह हमने डिनर फवाद भाई की तरफ से और आसिफ पर हम लोग बैठे हुए हैं खान भाई लोगों के साथ, खान भाई लोग डेरों पे यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ओमाई की सीख बोटियाँ बहुत मजे की है, बहुत मजे की है। खाली हाँ खाली, अभी और आ रही है, कम पड़ गई थी और चलो घर चलो जब खाली तो बैठ। ये तो भाई आप इनको तो जानते हैं, तो जानी पहचानी मशहूर शख्सियत है। फवाद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर नासिर खान बात कर रहा हूँ। डॉक्टर नासिर यार, डॉक्टर नासिर बात कर रहे हैं। इनका जो वर्जन है वो साइलेंट मोड पर है। क्या करेगा सीख का? खाऊंगा उसके बाद देखता हूँ।